सीबीएसई का रिजल्ट निकला है, टेंथ का, प्लस टू का, टॉपर्स का खूब सम्मान हो रहा है, बड़े बड़े लोग बधाइयां देते हैं, और कई जगह देखा मैंने कोई एसपी, कोई डीएसपी, कोई डीसी, ये सब मिलने जा रहे हैं, कोई और अफसर हैं या फिर कोई बड़े नाम हैं, वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं उन बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। लेकिन मेरी ये वीडियो उनके लिए है जिनको इस बार या तो अच्छे नंबर नहीं मिले या फिर वो पास नहीं हुए। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया की परिभाषा सफलता की कोई नहीं जानता। देखो अगर सफल होते एक्टर्स तो उन बेचारों को आज पान मसाला क्यों बेचना पड़ता, गुटखा क्यों बेचते? अगर पैसे से और प्रसिद्धि से सफलता आंकते तो आज तो कितने ही एक्टर्स और बड़े बड़े एक्टर्स अमिताभ बच्चन समेत सारे गुटखा बेच रहे हैं, आमिर खान समेत सभी लोग ड्रीम्स इलेवन की मार्केटिंग कर रहे हैं, जुआ खेलो। क्रिकेटर देखो तो कितने बड़े बड़े नाम हैं, ये सब क्या कर रहे हैं कि जुआ खेलो आप। ड्रीम इलेवन क्या है? जुआ ही है। आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, उसमें अंत में बोला जाता है इसे अपनी जिम्मेदारी से खेलें, इसमें आर्थिक जोखिम हो सकता है। मतलब यहां पर आकर के बड़ी हिंदी, शुद्ध हिंदी है, ये नहीं बोल सकते थे ये जुआ है, इससे आदत हो सकती है, आपके बच्चों का बेड़ा गर्क हो सकता है, लेकिन नहीं बोला किसी ने। तो आप उनको कह सकते हो सफल, रोहित शर्मा हो गया, ये सारे बड़े नाम, इनको सफल बोलोगे? देखो इतने बड़े बड़े नाम और काम क्या कर रहे हैं, समाज को मिसगाइड करना। आप लोग इस बार अगर असफल हुए हैं तो आपका हीरो कौन होना चाहिए? रमेश राजपुरोहित है, राजस्थान से लड़का, 59 टेस्ट भरे उस बंदे ने, क्लियर नहीं हो पाए, 60वां टेस्ट क्लियर करा, तहसीलदार बन गया। इतना जिगरा चाहिए आपको अगर सफलता चाहिए जीवन में, तो लगातार प्रयास। और एक और बात का ध्यान रखना, अगर आप आज असफल हुए हैं तो ये किसी ने आपको असफल नहीं किया, ये आपकी इच्छा थी। अंदर खाते बड़े ध्यान से अपने आप को पूछो, क्या सच में मैंने असफलता की तैयारी नहीं की थी? और याद रखना, अगर आप असफलता की तैयारी करते हैं और आप असफल होते हैं तो आप में दम है, कल को आप सफलता की तैयारी करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, ये नियम है, अपने भाग्य विधाता आप खुद हैं। स्वामी रामदेव को देख लो, कोई बड़ी डिग्रियां डिप्लोमे नहीं उनके पास, दम है, गट्स हैं, हिम्मत है लगातार प्रयास करने की। जितने भी दुनिया भर के बड़े नाम हैं, उन सबसे ऊंचा काम है उस बंदे का, क्यों है? कैंसर, डायबिटीज है ना, ब्रेन ट्यूमर, सोरायसिस, इतनी बीमारी, कौन सी बीमारी है जो उन्होंने ठीक नहीं की और एक आशा जगाई पूरी दुनिया में, लेकिन डिग्री डिप्लोमे नहीं उनके पास, उनके द्वारा बनाए गए पतंजलि इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से लोग डिग्रियां डिप्लोमे कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, स्वामी रामदेव के पास नहीं है, उन्होंने कर्म करा। यानी अगर आप चाहें तो, जब तक आपने नहीं चाहा आपको सफलता नहीं मिली। अब अगर आप आज ये ठान लें तो आप सफलता की ओर चलने लग पड़ेंगे, आप सफल हो जाएंगे। इसलिए जब एग्जाम्स का परिणाम आए, परीक्षा परिणाम आए, तो याद रखना जिम्मेदारी खुद पे लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं सफल हूं, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं करी, जो सफलता के लिए चाहिए था रास्ता उस पर नहीं चला। अब आप अपने आप को कोसें ना, लेकिन अपने आप को चांस दें कि जब मैंने मेहनत नहीं करी मैं असफल हो गया, इसका मतलब अगर मैं मेहनत करूंगा तो सफल हो जाऊंगा, यार नियम ही यही है सफलता का। और है क्या, दशरथ मांझी का नाम सुना है? कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, कोई फिल्में नहीं बनाई उनके नाम पर, फिल्में बनाई हैं, वो पूरी उम्र संघर्ष करते रहे,
बिहार में जिन्होंने पहाड़ काट करके सड़क बना दी, साधारण जीवन बोरी में ही लिफ्ट करके, देखिए अगले बंदे की हिम्मत, इसे बोलते हैं हिम्मत। सरकारों से मदद मांगी उन्होंने, किसी ने मदद नहीं करी, लेकिन उन्होंने अपना टारगेट नहीं छोड़ा। पत्नी मरी थी तो प्रण कर लिया था उस बंदे ने कि भैया अब तेरे को नहीं मैं छोड़ूंगा, छिनी और हथौड़ी से तेरे को काट दूंगा, लेकिन मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, पहाड़ को। डिग्री डिप्लोमे थे क्या उनके पास? जब उनके पास गोल्ड मेडल था या वो टॉपर थे 100% नंबर लेने वाले? यार ये जो 100% नंबर लेने वाले हैं इनकी भी थोड़ी देर पूछ होती है, थोड़ी देर, उसके बाद जिंदगी की लड़ाई तो उस भैया सबको खुद ही लड़नी पड़ती है। इसलिए आप याद रखना, किसी के नंबर ज्यादा है आपको किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए। और माँ बाप को भी, माँ बाप से भी मेरी प्रार्थना है, आप भी अपने बच्चों को कंपेयर ना करें। हर फूल अपनी अलग किस्म से, अलग रंग से, खुशबुओं से भरा पड़ा है, ठीक है ना। अब आप माता पिता ये डिसाइड करें कि हमने बच्चे का इंटरेस्ट ढूंढना है, देखना है कि किस तरह वो जाना चाहेगा या जो जा सकता है उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली। ज्यादा बोझ ना सिर पर रखें। यहां पे हमने इंजीनियरों को, इंजीनियर जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो कुछ है वो मिस्त्रियों का काम कर रहे हैं बेचारे, सरकारी जॉब तो कहीं नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में काम है। तो अगर आप मिस्त्री का काम करते हैं तो आपको इंजीनियर बनने से कौन रोक सकता है बताओ? अभी पिछले दिनों यूपीएससी क्लियर करा बंदे ने, इंजीनियरिंग करी, एमटेक भी करी हुई, लेकिन वो मिस्त्री का काम कर रहा था जब वो उसका रिजल्ट है यूपीएससी का। कमाने में काहे की शर्म और मेहनत, ठीक है ना। इसलिए मेहनत करनी है आपने। ज्यादातर आपके लिए सफलता के द्वार खुले हुए हैं आपकी इच्छा के अनुसार, अगर आप चाहें तो। जिस क्षण आप चाहेंगे उसी क्षण आप सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।